हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद इतिमन। तो देखिए, वन टाइम रजिस्ट्रेशन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। मुख्यमंत्री जनसंपर्क प्रकोष्ठ राजस्थान सरकार के द्वारा जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और आप लोगों के लिए फ़ायदे के लिए ही ये न्यूज़ जो है वो आप लोगों को मैं आज बताने जा रही हूँ। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन क्या होता है, यानी कि आप लोग जो बार बार कंपटीशन एग्ज़ाम के फॉर्म भरते हैं, पैसे खर्च करते हैं, तो इससे आप लोगों को परेशानी होती है। और कई बार ऐसा होता है, बच्चे जो हैं चार फॉर्म के लिए एलिजिबल होते हैं लेकिन वो दो ही फॉर्म भरते हैं, क्योंकि वो बाकी के जो दो फॉर्म हैं उनके लिए उनके पास पैसे होते नहीं हैं, या फिर उनको ज़्यादा लगता है कि हम जो है पता नहीं हमारा नंबर आएगा या नहीं, तो हम जो है इस फॉर्म को भरे ही नहीं, ऐसा सोचकर जो है वो केवल दो ही फॉर्म भरते हैं। लेकिन आपको जो है वो इस चीज़ से जो है वो निजात अब मिल चुकी है। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि सरकार के द्वारा जो है वन टाइम रजिस्ट्रेशन, यानी कि बार बार आपको कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए जो फॉर्म भरना पड़ता है, पैसे खर्च करने पड़ते हैं, तो वो आपको नहीं करने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि अब जो फॉर्म भरे जाएंगे, वर्तमान में जो आवेदन शुल्क होगा, तो जो सामान्य वर्ग, क्रीमिलियर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग है, तो इनको 450 रुपये जो है वो खर्च करके वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। राजस्थान के जो नॉन क्रीमिलियर श्रेणी के पिछड़ा MBC EWS है, तो इनको 350 रुपये खर्च करने होंगे। वहीं पर राजस्थान के जो SC ST वर्ग के हैं उनको 250 रुपये खर्च करने होंगे। ऐसे बच्चे जिनके परिवार की जो वार्षिक आय है वो 2.5 लाख रुपए से कम है, तो उनको 250 रुपए जो है वो खर्च करने होंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है और आप लोगों के बहुत फायदे की न्यूज है और बहुत पॉजिटिव न्यूज है, क्योंकि बच्चे जो है वो बहुत परेशान होते हैं, कई बार फॉर्म वो इसलिए नहीं भर पाते हैं क्योंकि उनके पास जो है ज्यादा पैसे नहीं होते हैं ज्यादा फॉर्म भरने के लिए। अब आप जो है इस चीज से जो है नहीं जूझेंगे। जितने भी युवा हैं, जितने भी कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, वो बार बार आवेदन शुल्क उनको जमा करना नहीं होगा। ठीक है, अब वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस जो प्रणाली है, इससे जो है सभी परीक्षाओं में आप बैठ सकोगे। तो परीक्षार्थियों के लिए जो है यहाँ पर बहुत ही जो है राहत हुई है, कुछ चीज़ जो कि पॉजिटिव है और जो कि आपको बहुत कम देखने को मिलती है, क्योंकि बच्चे बहुत परेशान रहते हैं एग्ज़ाम, क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो हो जाता है तो रिजल्ट आउट नहीं होते हैं, रिजल्ट जो जब आते हैं तो टाइम जो है इतना निकल जाता है, कई बार बच्चे जो ओवर एज भी हो जाते हैं, तो इतनी सारी परेशानियों से आप लोगों को जूझना पड़ता है। तो कुछ अगर पॉजिटिव न्यूज़ आप लोगों के लिए होती है तो उसमें जो है वो आपको बहुत खुशी मिलती है। तो इतना ही सोचिए कि कम से कम सरकार ने जो है वो कुछ तो आप लोगों के लिए अच्छा किया। ठीक है, तो इस चीज़ को जो है वो बिल्कुल पॉजिटिव वे में जो है वो आपको लेना है, तैयारी जो है वो करनी है, हर फॉर्म को भरना है जिस चीज़ के लिए जो है वो आप लोग एलिजिबल हो। ठीक है, तो जहाँ भी आप एलिजिबल हो सभी के फॉर्म भरा करिए, कहीं ना कहीं जो है वो आपका नंबर तो आ ही जाएगा, क्योंकि आप लोग जो है इतनी तैयारी करते हो और आप लोग इतनी मेहनत करते हो, तो इस मेहनत का फल जो है वो आपको कहीं ना कहीं तो मिलता ही है। तो चलिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।